कि वाई क्यों लैपटॉप इतने महंगे होते जा रहे हैं। पिछले दिनों जो लैपटॉप 10-15 का था वो आज 25 का देखने को मिल रहा है, इससे भी ज़्यादा कुछ मार्केट में रेट हमें देखने को मिल रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन के लैपटॉप से लेके 8th जनरेशन तक या 7th जहाँ तक भी आपके पास अवेलेबल है, तो क्या प्राइसेस चल रही है? वो परफॉर्मेंस और स्पीड होती है वो जनरेशन के साथ है और जनरेशन वाइज ही प्राइस होती है। और ऑनलाइन क्लासेस बच्चे जो उनसे हैं वो घर में स्टडी कर रहे हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्पेसिफिकेशन रिक्वायर है ना। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों दोबारा हम मौजूद हैं पाकिस्तान की एक मार्केट के अंदर जिसमें लैपटॉप सेल किए जाते हैं, और यहाँ हम मौजूद हैं बेसिकली रेक सिटी फैसलाबाद के अंदर, जो एक लैपटॉप या कंप्यूटर मार्केट कह सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि लैपटॉप्स की प्राइस जो है वो क्यों आसमानों को छू रही है। 10,000 का लैपटॉप आपको 20,000 का मिल रहा है, क्यों इतनी प्राइस इंक्रीज कर दी है। हाँ, हमारे साथ कोई प्यारे दुकानदार भी खड़े हैं जिनसे आप क्वेश्चन पूछेंगे, और क्यों लैपटॉप की प्राइस बढ़ रही है और कब तक लैपटॉप की प्राइस जो है वो इंक्रीज रहेगी, कब जाके आपको लैपटॉप दोबारा सस्ते देखने को मिलेंगे, कब दोबारा वो लैपटॉप जो 10,000 का मिलता था दोबारा 10 का देखने को मिलेगा, और क्या ये वाकई होगा कि लैपटॉप की प्राइस यहीं फिक्स तो नहीं हो जाएगी। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। और भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के अंदर भी शो कर दूंगा, जिससे ये होगा कि अगर फैसलाबाद में कोई बंदा रहता है इनसे लैपटॉप वगैरह लेना चाहता है तो इनसे रब्ता कर सकते हैं और भाई जो है आपको लैपटॉप प्रोवाइड कर देंगे, आपको मुकम्मल जो है गाइड करेंगे इसी तरह भाई। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वाई क्यों लैपटॉप इतने महंगे होते जा रहे हैं। पिछले दिनों जो लैपटॉप 10-15 का था वो आज 25 का देखने को मिल रहा है, इससे भी ज़्यादा कुछ मार्केट में रेट हमें देखने को मिल रहे हैं, क्यों क्या ये वजह है बेसिकली? कोविड-19 की वजह से ना मार्केट रेट्स बहुत हाई हो गए हैं, जिसकी वजह से पीछे लैपटॉप शॉर्ट है और उनके अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ क्लोज है, जिसकी वजह से ऑनलाइन स्टडी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में लैपटॉप आना शॉर्ट हो गए हैं और प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो गई हैं, जिसकी वजह से रेट दिन ब दिन मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं जी। तो आपका क्या मतलब कि ख्याल है कि कब तक ये प्राइसेस जो हैं इसी तरह रहेंगी और कब दोबारा लैपटॉप जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वाफर मिकदार में आएगा और कब ये जो है दोबारा प्राइस इसकी मेंटेन हो पाएगी सही? सर, इसका हम कुछ कंफर्म कह नहीं सकते क्योंकि जब तक ये कोविड-19 चल रहा है इसकी वजह से जो इशू चल रहे हैं, जब तक ये बाहर की कंट्रीज़ में नॉर्मल हालात नहीं आते, कंडीशंस नहीं होती, तो तब तक ऐसी कंडीशन चलेगी। तो यहाँ दोस्तों हम मौजूद हैं प्रोटक के ओनर के पास, जो शॉप के ओनर हैं। हमने कहा प्राइसेस का थोड़ा सा गाइड कर लें कि आजकल जो प्राइसेस हैं वो कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, फर्स्ट जनरेशन की मशीन से लेके, फर्स्ट जनरेशन से लैपटॉप से लेके 8th जनरेशन तक जो प्राइसेस चल रही हैं उसके बारे से थोड़ा सा भाई हमें गाइड करेंगे। तो जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी? ठीक ठाक, शुक्र लगा, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह शुक्र, दुआएं आपकी। पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी जी, प्रोटेक कंप्यूटर पे आप आए जी। सर हमारे ना थोड़ा सा गाइड करें कि फर्स्ट जनरेशन के लैपटॉप से लेके 8th जनरेशन तक या 7th जहाँ तक भी आपके पास अवेलेबल है, तो क्या प्राइसेस चल रही है इस वक्त? जो मार्केट में प्राइसेस चल रही है, Core i5 जो फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप है वो इस वक्त 20,000 से 22,000 की रेंज तक प्राइसेस है। ठीक हो गया। और फर्स्ट के बाद सेकंड जनरेशन स्टार्ट होती है, फिर थर्ड, इस स्टेप बाय स्टेप 10th जनरेशन तक इस वक्त प्रोसेसर आ चुके हैं, और जो सेकंड जनरेशन की प्राइस है वो बिटवीन 25,000 to 30,000 की रेंज में प्राइस चल रही है। और इनमें जो रैम होती है वो स्टैंडर्ड 4GB चलती है, और जो हार्ड डिस्क का स्टैंडर्ड जो साथ आती है वो 250GB से लेके 320GB तक। मतलब कि ये अब हर लैपटॉप में ये होता है अवेलेबल, और जनरेशन के अंदर प्राइजेज़ का कितना डिफरेंस आ रहा है सेकंड के बाद? जी जो प्राइजेज़ हैं लैपटॉप की, जो परफॉर्मेंस और स्पीड होती है वो जनरेशन के साथ है और जनरेशन वाइज ही प्राइस होती है। सही, उस जैसे आपको फर्स्ट की प्राइस बताई, सेकंड की प्राइस बताई, वैसे ही प्राइसेस फिर आगे जाती हैं। सेकंड के बाद थर्ड जनरेशन आती है, और जो थर्ड जनरेशन की बिटवीन प्राइस है वो 30,000 से स्टार्ट हो जाती हैं, 30,000 से लेके 35,000 तक। सही हो गया। फिर इसके बाद फोर्थ जनरेशन शुरू हो जाता है, उसकी प्राइस 40,000 से लेके 45,000 तक है। सही हो गया। फिर इसी तरह आगे 5th, 6th, 7th, 8th, और जो नॉर्मल सेल होते हैं जो स्पेसिफिकेशन में आ रहे हैं वो 6th जनरेशन तक, और 6th जनरेशन की जो प्राइस है वो बिटवीन 50 to 60 की रेंज में ये प्राइसेस चल रही हैं। सही हो गया। तो 6th जनरेशन से ऊपर भी आपके पास कुछ जनरेशन अवेलेबल है? इसके बाद 7th जनरेशन है, 8th है, 9th है, और जो रूटीन से हमारी मार्केट में प्राइस सेल हो रहे हैं स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन चल रही हैं वो 3rd जनरेशन से लेके 6th जनरेशन तक है।
सेवन नाइन टेन वो स्पेसिफिकेशन वो भी अवेलेबल है. उसकी क्या प्राइस होगी? जो सेवन जनरेशन है वो 65 से प्राइजेज स्टार्ट हो जाती हैं, उस 65 से लेके 90,000 तक. उसमें मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन मॉडल जनरेशन वाइज प्राइजेज होती है. सही हो गया. और एट जनरेशन वो बिटवीन, मैंने आपको बताया ना 65 to 90, मतलब कि हाँ जी 8 9 जो आप कह सकते हैं 7 8 और 9 जनरेशन है वो आपको इस दरमियान में 65,000 से लेकर 90,000 तक आपको फिर आगे 7 9 जनरेशन मिल जाते हैं. अच्छा, अगर हम बात करें 8 जनरेशन जो कि या 9 जनरेशन, मैं इसमें आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जब से ये COVID-19 आया है इसके बाद ये हुआ है कि स्कूल कॉलेज आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है और ऑनलाइन क्लासेस बच्चे जो उनसे हैं वो घर में स्टडी कर रहे हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्पेसिफिकेशन रिक्वायर है ना वो आप काम फर्स्ट जनरेशन में कर सकते हैं. उसके लिए फर्स्ट जनरेशन काफ़ी है और सेकंड जनरेशन भी उसके लिए बहुत अच्छा है. इसलिए जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सेल हमारी ज़्यादा हो रही है ना वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी प्राइजेंस दी थी आपको उनकी रेंज 20,000 से बिटवीन 30,000 की रेंज में है. सही. ये इस प्राइस में ये इकोनॉमिकल है और हर एक ही रेंज में और ज़्यादा सेल है हमारी. ठीक हो गया. मतलब कि आप कह रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन लोग ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं और रिक्वायर्ड भी वही है अगर आप बेसिक काम करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेज और इस तरह की कुछ मल्टीमीडिया. जी जी, उस काम के लिए ये स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है और प्राइस भी मुनासिब है इसलिए हमारी इस स्पेसिफिकेशन की सेल ज़्यादा है. ठीक हो गया.